पंजाब में जारी राजनीतिक संकट के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रभारी हरीश रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त पंजाब भवन में हैं। और हरीश रावत अब से कुछ देर पहले बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब की स्थिति को लेकर जिस तरह से देहरादून में उनसे लोग कुछ लोग मिलने के लिए आए थे, उस बाबत वो कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और पंजाब की स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। पंजाब को लेकर सर क्या स्थिति है, क्योंकि आपने कहा था कि या तो सलाहकार को हटाया जाए नहीं तो पार्टी खुद हटाएगी। अब सलाहकार ने जो मुझे जानकारी मिली है अपना बयान पूरी तरीके से उन्हें जिस वो कर दिया है, उसमें उन्हें कह दिया ये मेरा निजी मामला है और मैं पहले से कुछ कहा है, उन्होंने जो कुछ कहा है और मैं समझता हूँ उसकी लाइट में अब वो मामला वहीं समाप्त हो गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भी बयान हो जो जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर कोई ऐसा बयान देता है जिससे देश की संवेदनाओं को चोट पहुँचती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। वो एसोसिएट रहेंगे आपके प्रदेश अध्यक्ष के एडवाइजर के तौर पर? ये श्री सिद्धू जाने, हमको जो चाहिए था वो उन्होंने कह दिया कि मैंने सिद्धू के एडवाइजर के तौर पर ये बयान नहीं दिया। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको फैसले लेने की आजादी नहीं मिलेगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो पार्टी का ईंट से ईंट बजा देंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बजा देंगे, किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? मैं अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? सर आजादी किससे मांग रहे हैं सर वो? नहीं नहीं, या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं। किसने वो खुद ही कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट। सरकार हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है तो बात खत्म है। मनीष तिवारी ने और सबने कहा कि इन लोगों को हटाया जाना चाहिए, इनको इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। सोनिया जी से मुलाकात का आज कोई संभावना है? आज मिले सोनिया जी से, वेणुगोपाल से या राहुल जी से, किसी से? मैं कल, आज तो मैं कुछ अपने निजी कामों में व्यस्त हूँ, कल मिलूंगा। और राहुल जी से मिलेंगे? और दोनों से कितने बजे कल मुलाकात है सर सोनिया? मैं अभी तय नहीं। मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं उनके सामने जो भी चीजें हैं और वो सब मैं समझता हूँ कोई ताकत वाली बात, किसी के वहाँ खाना खाने के लिए जुटना ताकत की बात तो है नहीं। उसको किस तरीके से इस चीज को रखा जाता है ये पंजाब के नेताओं को खुद देखना है कि उनके किसी एक्शन को बाहर गलत ना इंटरप्रेट किया जाए और जिससे कांग्रेस को तकलीफ हो, पंजाब कांग्रेस को ही तकलीफ हो और देश में भी कांग्रेस को तकलीफ हो, तो उस रूप में कोई काम नहीं करना। लेकिन मैं किसी के घर बुलाने इसमें जो है कोई हर्ज नहीं। हरीश रावत ने यह भी कहा कि कुछ मनमुटाव जरूर है लेकिन पार्टी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जब हरीश रावत से ये पूछा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि अगर उन्हें फैसले लेने की आज़ादी नहीं मिलेगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, हरीश रावत ने इसका गोलमोल जवाब दिया। सीधे तौर पे वो कुछ कहने से बचे। और जहाँ तक एडवाइजर्स की बात है, जिस तरह के बयान नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने दिया उससे कहीं ना कहीं हरीश रावत का ये कहना है कि पार्टी डिसोसिएट करती है और ये जो दो लोग हैं
वो सीधे तौर पे उन्होंने जो कुछ भी बातें कही हैं वो उनकी निजी राय है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किसी पद की हैसियत से उन्होंने कोई कैपेसिटी में इस तरह की बयान नहीं दिया है। तो बड़ी खबर यही है कि हरीश रावत दिल्ली में मौजूद हैं, आज वो नहीं मिलेंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी से, कल उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से और राहुल गांधी से होगी, जिसमें वो पंजाब को लेकर कांग्रेस आला कमान को सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत ज नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओवे होएगा, इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी च अनबन जां दुटोना मनमोहणी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ रुसे नूं मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।